हाय गाइस, स्वागत है आपका आज की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हैंड स्लिप्स क्या होती है और हैंड स्लिप्स के बारे में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। हैंड स्लिप का यूज़ कैसे करते हैं और हैंड स्लिप के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ मैं आज की इस वीडियो में, और क्रिकेट में हैंड स्लिप को क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। और इंटरनेशनल में विराट कोहली, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह जिनको आप देखते हैं हैंड स्लिप वो पहने रहते हैं, उसको क्यों पहना जाता है हैंड स्लिप को, और मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा हैंड स्लिप के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो पे बने रहने के लिए आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सब दोस्तों से, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो को हमको पॉपुलर बनाना है दोस्तों, पॉपुलर बनाना है वीडियो को, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको हैंड स्लिप के बारे में बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी, उसको पहन के भी दिखाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा आपको हैंड स्लिप के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और मैं आपको अब सबसे पहले अपनी हैंड स्लिप दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये है मेरी हैंड स्लिप, ठीक है। ये देखिए, ये गोल्डन कलर की हैंड स्लिप है, ये स्ट्रेचेबल है, आप इसको जितना भी खींचेंगे इसको कुछ नहीं होगा। ये देखिए मैं इसको खींच रहा हूँ, देखिए कुछ नहीं होगा, इसको भी मैं खींच रहा, देखिए मैं इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया हूँ। आप चाहें तो आप भी परचेस कर सकते हैं इसको फ्लिपकार्ट से, और आप कोई सी भी हैंड स्लिप खरीद सकते हैं। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कम से कम आप 200 तक की हैंड स्लिप लीजिए, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, और जो सस्ती वाली हैंड स्लिप रहती वो भी अच्छी रहती, लेकिन सस्ती वाली हैंड स्लिप ज़्यादा चलती नहीं है, और जो महंगी वाली हैंड स्लिप रहती वो ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको पहन के दिखा देता हूँ, इसको कुछ इस तरह पहना जाता है, देखिए इसको हैंड स्लिप को हमेशा हाफ टी शर्ट में ही पहना जाता है, क्योंकि हाफ टी शर्ट में जो हैंड स्लिप रहती है ना वो दिखती है, और अगर आप फुल टी शर्ट को इसके अंदर पहनेंगे तो कोई मतलब नहीं, हैंड स्लिप को हमेशा हाफ टी शर्ट में ही पहना जाता है। और आप, मैं जो वीडियो डालता हूँ उसमें भी मैं हैंड स्लिप पहन के वीडियो डाला हूँ, तो आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं, मेरी हर वीडियो में आप इस हैंड स्लिप पहन के ही डाला हूँ, देख सकते हैं आप वीडियो को, देखिए इस तरह पहनते हैं हैंड स्लिप को। ये देखिए, ये मेरे हाथों में एकदम फिट आ गई है, हर एक कोई भी अगर वो होगा तो उसके हाथ में हैंड स्लिप परफेक्ट आती है, क्योंकि हैंड स्लिप को बनाया है इस तरह जाता है कि हैंड स्लिप सबके हाथों में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो हैंड स्लिप इस तरह कुछ पहनी जाती है, देखिए इस तरह, और गोल्डन कलर सबसे अच्छा कलर होता है। मैं आपको ये रिकमेंड यही करूँगा कि आप गोल्डन कलर ही हमेशा परचेस करें, ब्लैक कलर जो होता है वो भी अच्छा रहता है, लेकिन गोल्डन कलर ज़्यादा अच्छा रहता है, और इंटरनेशनल में भी ज़्यादा लोग गोल्डन कलर पहनते हैं, ठीक है। तो गोल्डन कलर ही आप लीजिए, ठीक है। और अब मैं आपको ये बताऊंगा हैंड स्लिप से होता क्या। हैंड स्लिप से होता ये है कि अगर आप एकेडमी में या फिर कहीं भी अगर आप क्रिकेट सीख रहे हैं या फिर क्रिकेट खेलने जाते हैं, कहीं भी खेलने जाते हैं, तो आप फील्डिंग तो ज़रूर करते हैं भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप फील्डिंग नहीं कर रहे हो। एकेडमी में सबसे ज़्यादा फील्डिंग ही कराई जाती है शुरू शुरू में, ठीक है। तो फील्डिंग के दौर पर आप जब स्लाइड मारते हैं, कहीं भी जगह स्लाइड मारते हैं, डाई मारते हैं तो आप कैच लेते हैं कहीं भी, ऐसे दौड़ के गए डाई मार दिया अच्छी तरह से, ठीक है। तो डाई मारे तो जो हम गिरते हैं तो हमको चोट लग जाती है ना, यहाँ पास हमारा डैमेज हो जाता है, पूरा स्किन एकदम पूरी वो हो जाती है, ख़राब हो जाती। तो उसके लिए ही हैंड स्लिप बनी हुई है कि अगर हम डाई मारे तो हमारे जो उससे स्किन से खून उन ना निकले और कुछ हो नहीं, इसलिए हैंड स्लिप बनी रहती है और ये फटती नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम डाई मारेंगे तो ये छिल जाएगी तो ये फट जाएगी, नहीं, ये फटती नहीं है, ये बहुत ही मजबूत होती है, दिखती पतली है लेकिन ये मजबूत बहुत होती है। अगर आप डाई मारेंगे तो हैंड स्लिप को कुछ नहीं होगा, आपको तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, ठीक है। हैंड स्लिप से ये होता है, और हैंड स्लिप से ये होता है कि बैट्समैन लोग हैंड स्लिप पहन के क्यों खेलते हैं, बैट्समैन लोग हैंड स्लिप पहन के इसलिए खेलते हैं क्योंकि जो बैटिंग करते समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, ठीक है, पसीना आ जाता है भाई, तो अच्छे से खेलते नहीं बनता। और क्या रहता है कि हैंड स्लिप पहन के खेलोगे ना तो पसीना नहीं आएगा, एक बार हमेशा नोटिस करिएगा आप, पसीना तो बिल्कुल नहीं आएगा और एकदम कम्फर्ट रहता है खेलने में। बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग अगर बहुत बॉलर लोग क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब चीज़ के लिए हैंड स्लिप बनी, और हैंड स्लिप को पहन के हमेशा खेलना चाहिए। मैं आपको भी यही बोलूँगा कि हैंड स्लिप तो बिल्कुल पहनिएगा, हैंड स्लिप बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्रिकेट में, ठीक है। हैंड स्लिप का बस यही वो है और कोई वो नहीं है, हैंड स्लिप का बस फील्डिंग के उसमें काम आती है, बॉलिंग में काम आती है, और
सब स्पोर्ट्स में काम आती है, फुटबॉल में भी आपको काम आएगी हैंड स्लिप, बास्केटबॉल में काम आएगी, एथलीट लोग भी पहन के इसको वो करते हैं, और मतलब हर चीज़ में ये हैंड स्लिप जो है ना हर स्पोर्ट्स के लिए है, और क्रिकेट में बहुत ज़रूरी चीज़ है इसको, इसलिए आप क्रिकेट में तो इसको ज़रूर पहन के देखें, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो आप मेरे को बताइएगा कि वीडियो किस तरह बनानी चाहिए आप ही के, उसमें मैं आपको वीडियो बताऊँगा कि आप ही के उस सजेशन में मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं अपनी सजेशन में वीडियो नहीं बनाऊँ क्योंकि वीडियो तो आपको चाहिए, मेरे को तो चाहिए नहीं वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। और हैंड स्लिप के बारे में जितना भी मैंने आपको बताया है वो सब जरूर याद रखिएगा, हैंड स्लिप को जरूर पहन के खेलेगा, उससे आपको डैमेज नहीं होगा स्किन में और आपको लगेगा तो बिल्कुल नहीं, इसलिए हैंड स्लिप पहन के हमेशा खेलेगा। मैं वीडियो भी हैंड स्लिप पहन के ही बनाता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है हैंड स्लिप पहनना, और हैंड स्लिप पहन के खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस तैरा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।